सो गाइस, सबसे पहले तो यहाँ पे आप लाइव प्रूफ के साथ देखिए, यहाँ पे मैंने अपनी एक वीडियोस को ओपन कर रखा है जिसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को 4200 के आसपास व्यूज मिले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 90 दिन के अंदर मेरी इस वीडियोस के ऊपर 4200 के आसपास व्यूज है। अगर मैं इसके आपको सब्सक्राइबर्स दिखाना चाहता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइव प्रूफ के साथ इसके ऊपर आप सब्सक्राइबर्स देख के हैरान हो जाओगे। और यहाँ पे 90 डेज यहाँ पे भी सिलेक्ट कर लेता हूँ सब्सक्राइबर्स वाले ऑप्शन के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 250 प्लस इस वीडियोज़ के ऊपर मेरे को सब्सक्राइबर्स मिले हैं, यानी कि मेरी इस वीडियोज़ के ऊपर 4000 के आसपास ही व्यूज़ आए हैं लेकिन सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा आए हैं, यानी कि 250 प्लस यहाँ पे लाइव प्रूफ के साथ आप देख सकते हैं सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हुए हैं मेरी इसी वीडियोज़ के ऊपर। दोस्तों, आखिर इतने कम व्यूज़ के ऊपर मेरे को इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स कैसे मैंने इंक्रीज कर लिया? आपको पता है कि अगर आपको अपने चैनल के ऊपर 250 प्लस सब्सक्राइबर्स इंक्रीज करने हैं तो आपको अपनी वीडियोज़ के ऊपर लाखों के आसपास व्यूज़ इंक्रीज करने होंगे, तो ही आपके वीडियोस के ऊपर 250 प्लस सब्सक्राइबर्स इंक्रीज होंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने अपने 4000 व्यूज के ऊपर ही 250 प्लस सब्सक्राइबर्स को इंक्रीज कर लिया है। बहुत सारे क्रिएटर बोलते हैं कि हम लोग अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर रेगुलर्स वीडियोस अपलोड करते हैं, अच्छा कंटेंट पेश करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी वीडियोज के ऊपर ना तो व्यूज आते हैं ना ही सब्सक्राइबर्स इंक्रीज होते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसको ऑन करते ही आपके यूट्यूब चैनल की वीडियोज के ऊपर व्यूज भी आएंगे और सब्सक्राइबर्स भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। इस सेटिंग्स को ऑन करते ही जो भी क्रिएटर आपकी वीडियोस के ऊपर मैसेज करेगा या आपकी वीडियोस को लाइक करेगा, डेफिनेटली वो आपके यूट्यूब चैनल को उसी टाइम सब्सक्राइब्स भी कर लेगा। तो इस वीडियोस के अंदर आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, वीडियोस को पूरा लास्ट तक वॉच करते रहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब दोस्तों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियोस को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे दिखाई गए रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो यहाँ पे आपने लाइव प्रूफ के साथ देख लिया, यहाँ पे मैंने अपनी एक वीडियोज़ के ऊपर 4000 के आसपास व्यूज़ गेन किए हैं, लेकिन मेरी इस वीडियोज़ के ऊपर आप सब्सक्राइबर्स देख सकते हैं 250 प्लस सब्सक्राइबर्स मैंने इसी वीडियोज से इंक्रीज़ किए हैं। आखिर मैंने इतने कम व्यूज के ऊपर इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स कैसे इंक्रीज किए? यही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज आपको इस वीडियोस के अंदर मिलने वाली है। दोस्तों, अगर आपके सब्सक्राइबर्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं तो इस वीडियोस को पूरा लास्ट तक वॉच करते रहिए, वीडियोस को हल्का सा भी स्किप मत करिए। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने देखिए अपने यूट्यूब चैनल को ओपन करना है। नॉर्मली आप अपने यूट्यूब चैनल को अपने यूट्यूब एप्लीकेशन के अंदर ओपन करते हो, लेकिन आपने क्या करना है, यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल को अपने YT स्टूडियो अपने गूगल क्रोम एप्लीकेशंस के अंदर ओपन करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना गूगल क्रोम एप्लीकेशंस को ओपन करता हूँ। सेम टू सेम आपने भी अपने गूगल क्रोम एप्लीकेशंस को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपने अपने यूट्यूब चैनल को ओपन कर लेना है। तो चलिए, यहाँ पे मैं अपने यूट्यूब चैनल को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको डेस्कटॉप साइट के अंदर या डेस्कटॉप साइट के ऊपर कर लेता हूँ। सेम टू सेम आपने भी अपनी स्क्रीन को यहाँ पे डेस्कटॉप साइट के अंदर कर लेना है। उसके बाद आप देख सकते हैं साइट के अंदर आपके मोबाइल का आपके यूट्यूब चैनल का एक लॉगो दिखेगा, इसको आपने क्लिक करना है और यहाँ से योर चैनल वाले ऑप्शंस को आपने क्लिक कर लेना है। जैसे इसको आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। अभी आपने क्या करना है, साइट के अंदर देख सकते हैं यहाँ पे आपके चैनल का एक लॉगो दिख रहा होगा, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे दिखाने देता हूँ। ओके, तो इसके पास आपको एक प्लस वाला ऑप्शंस दोस्तों मिल रहा है, इस प्लस वाले ऑप्शंस को आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस निकल के बाहर आ जाएंगे। ओके, यहाँ पे सबसे पहले है आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलता है अपलोड वीडियो, सेकंड है गो लाइव, थर्ड नंबर पे क्रिएट ए पोस्ट, लेकिन यहाँ पे आपको जो सेंटर वाला ऑप्शंस है गो लाइव वाले ऑप्शंस को यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे इसको मैं क्लिक करता हूँ तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे टाइम लगेगा, ये रीडायरेक्ट होके आपको एक सेटिंग्स के अंदर लेके चला जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे सामने एक ब्लैक स्क्रीन सेटिंग्स आ चुकी है साइट के अंदर। यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, यूट्यूब स्टूडियोज के नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रीम, वेबकॉम और मैनेज करके एक ऑप्शंस मिल रहा है। आपने यहाँ पे स्ट्रीम वाला ऑप्शन जो आपको मिल रहा है इसको आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे इसको आप क्लिक करोगे तो ये थोड़ा सा रीडायरेक्ट होगा, यहाँ पे मैं आपको जूम आउट कर दिया है। ओके, इस आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, आपने हल्का सा इस साइड को करना है और यहाँ पे आपको देखिए एक एडिट वाला ऑप्शन दोस्तों मिल रहा है। सेम टू सेम आपने भी इसी टाइप से स्टेप बाई स्टेप फॉलो करके यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद आपको एक एडिट वाला जो ऑप्शंस मिल रहा है इस एडिट वाले ऑप्शंस को आपने क्लिक करना है। तो चलिए इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि आपके सामने कुछ नया एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, एक नया पॉपअप ओपन हो जाएगा, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे एडिट सेटिंग करके एक ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहा है जिसके नीचे डिटेल्स है,
आप देख सकते हैं कस्टमाइजेशन और मोनेटाइजेशन वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है। सेम टू सेम दोस्तों, आपने भी इसी टाइप से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आपने इस सेटिंग्स के ऊपर आ जाना है। ओके, अगर आपने यहाँ से वीडियोस को बिल्कुल भी स्किप मत करना, यहीं से इंपॉर्टेंट सेटिंग आपको यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, कस्टमाइजेशन वाला एक ऑप्शन है, इसको आपने यहाँ पे क्लिक करना। तो चलिए इसको हम लोग क्लिक कर लेते हैं। जैसे इसको मैं क्लिक करता हूँ तो साइट के अंदर आप देख सकते हैं कुछ और सेटिंग निकल के बाहर आ चुकी है। सबसे पहले ऊपर आ चुका है यहाँ पे लाइव चैट, और दूसरा नंबर पे यहाँ पे आ रहा है पार्टिसिपेट मोड करके एक ऑप्शन आ रहा है, मोड्स करके एक ऑप्शन आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे इसके नीचे आप देख सकते हैं वी कैन सेंड मैसेज, यानी कि जो भी क्रिएटर आपको मैसेज करेगा, एनीवन, कौन सा क्रिएटर आपको मैसेज करेगा, एनीवन या सब्सक्राइबर्स, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, यहाँ पे आप और देख सकते हैं। लेकिन आपने यहाँ पे क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर वाला ऑप्शन को क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सब्सक्राइबर वाले ऑप्शन को क्लिक कर रखा है। सेम टू सेम आपने भी इसी टाइप से सब्सक्राइबर वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है, और नीचे एनी ड्यूरेशन वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपने एनी ड्यूरेशन वाले ऑप्शन को ही रहने देना है, 1, 2, 3, 4 मिनट कुछ यूज करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे आपके सब्सक्राइबर वाले ऑप्शन को ही क्लिक कर देना है। ऐसा करने के बाद आपको साइड स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे कैंसल और एक सेव का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से आपने अपनी सेटिंग्स को सेव कर लेना है। दोस्तों बस आपने इतना ही काम करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लाइव स्ट्रीमिंग करना स्टार्ट कर देना है। आप देखोगे कि जो भी क्रिएटर आपकी लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर आएगा वो सबसे पहले आपके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसके बाद ही आपके यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर मैसेज करेगा। दोस्तों यहाँ पे जो मैंने आपको पहले वीडियोस के स्टार्टिंग के अंदर व्यूज़ दिखाए वो मेरी एक लाइव स्ट्रीमिंग के व्यूज़ थे, जिसके ऊपर 4000 के आसपास व्यूज़ आए हैं। लेकिन आपने उसके ऊपर देखा है कि उसके ऊपर 250 प्लस सब्सक्राइबर्स मैंने इंक्रीज़ किए हैं, वो इसी ट्रिक से किए हैं। मैंने यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल की यहाँ सेटिंग्स के अंदर सब्सक्राइबर वाला ऑप्शंस को क्लिक कर रखा है, यानी कि जो भी क्रिएटर मेरी वीडियोज़ के ऊपर मैसेज करेगा, मेरी लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर मैसेज करेगा, वो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेगा। सेम टू सेम आपने भी इसी टाइप से इस सेटिंग्स को ऑन कर लेना है। इस सेटिंग्स को ऑन करके आपने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लाइव स्ट्रीमिंग करनी स्टार्ट कर देनी है। आप देखोगे कि जो भी क्रिएटर आपकी लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर आएगा वो आपके चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करेगा, उसके बाद ही वो आपकी लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर कमेंट कर पाएगा। तो दोस्तों इस सेटिंग्स को बहुत बड़े बड़े क्रिएटर ऑन करते हैं, आप भी इस सेटिंग्स को ऑन करके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने इस सेटिंग्स को ऑन नहीं कर रखा है, जल्दी से जाइए इस वीडियोस को पूरा लास्ट तक वॉच करिए और अपने इस सेटिंग्स को ऑन करके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स इंक्रीज करिए। तो दोस्तों आज की वीडियोस के अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन। अगर ये मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगी हो, इस वीडियो से आपको कोई भी बेनिफिट हुआ हो, तो प्लीज़ इस वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।